Alright guys, what's up everyone? Welcome back to my channel and guys, काफी टाइम बाद मैं ऐसा इंट्रो दे रहा हूँ. बहुत टाइम हो गया एक्चुअली. मैं अपनी आउटडोर वीडियोस में ज्यादा लगा हुआ था और मीम्स देखना भूल ही गए थे बीच में. तो अब फाइनली हम वापस एक्टिव हो रहे हैं. मीम्स देखेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है. आप में से काफी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे और कॉमेंट्स आ रहे मेरी वीडियो पे कि भाई कर रहे हैं मीम रिएक्शन. एंड ऑल्सो गाइज, मुझे ना एक चीज बताओ कि आपको पता, जैसा कि मैंने ना ओमेगल बनाना थोड़ा हद तक कम कर ही दिया, मतलब छोड़ दिया ऑलमोस्ट, मतलब बहुत कम वीडियोस आ रहे हैं. बट मैं चाहता हूँ कि मैं ओमेगल कंटिन्यू रखूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी मैसिव ऑडियंस ओमेगल वाली है. तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस चैनल पे ओमेगल वीडियोस भी डालूंगा, ठीक है, मीम रिएक्शन के साथ साथ. तो मुझे बताओ कि अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है. बाकी आज की वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आज मेरे पास क्या है मीम्स में. एंड वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब कर दो. चलो देखते हैं आज क्या है हमारे पास मीम्स में. मेरी तबीयत थोड़े एल लगे पड़े हैं तो कोऑपरेट कर लेना प्लीज. आपको मेरी आवाज सुन के पता चल रहा होगा बेसिकली. बाबा जी भूल गई, याद कर लो जल्दी. गुरु जी, आपने साधना चैनल पे 3 बजे क्यों कथा शुरू कर दी? कितने बजे करें बताओ? 1 बजे. तो आप शाम को फ्री नहीं रहती क्या? मैं बीमार रहती हूँ. अच्छा, तो बीमार 3 बजे से 6 बजे तक नहीं रहती आप? रुको, तो 1 से 4 के बीच में आप बीमार नहीं होती? तो ये बताओ, 1 से 4 के बीच में आप बीमार नहीं रहती क्या? दोपहर को थोड़ा आराम करती हूँ. दोपहर में आराम कर लिया करो, 3 से 6 कथा सुन लिया करो, सही तो? 2 बजे आंटी जी कह रही है कि तुम कोऑपरेट करो. हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हमारा सोना होता है, हमें खाना खाना होता है और थोड़ा बीमार भी रहते हैं हम बीच में. लेकिन जो भी कहो, आंटी बहुत स्वीट है भाई. आंटी जी सो स्वीट. आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? पढ़ाई की नहीं, कर रहा हूँ मैडम. अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? BSc कर रहा हूँ. BSc के फुल फॉर्म भी पता है तुम्हें? पता है. बताना. बियर के साथ चकना. एक्सपेक्टेड था मेरे को. क्या होती है BSc की फुल फॉर्म? बियर के साथ चखना. वाह, मतलब तुम थोड़ी शर्म कर लो. बिल्कुल रिश्तेदार तुम पूछेंगे तुमसे कि तुम क्या करते हो. BSc में क्या? बियर के साथ चखना. भाई थोड़ी तो शर्म कर लो. राधे राधे गुरु जी. हाँ, जैसा कि कोई भी चीज पशु से प्राप्त होता है तो मांसाहारी होता है. अच्छा. तो गाय माता से भी प्राप्त होने वाला चीज जो दूध है तो मांसाहारी है या शाकाहारी है? तुम्हारी माँ का तुमने दूध पिया है कि नहीं? पिया है. तो तुम्हारी माँ का दूध शाकाहारी था कि मांसाहारी? बाबा जी ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने सारी जनरेशन का ज्ञान ले लिया है, ठीक है. उनको सारी सारी जनरेशन संभालनी आती है भाई. को क्या चाहिए, टिट्स या फिर एस? एस. अगर आपको एस हम दे देते हैं, आप उसका क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे, जिंदगी में बस ऐसी चाहिए. ऐसी खाने पीने में सब कुछ में है ना, मजा आना चाहिए. मजा आना चाहिए. हाँ. तो आपको टिट्स क्यों नहीं चाहिए? ऐसा मजबूरी वाला काम हम करते नहीं है. आप हमें अपनी ऐस देंगे? हाँ जी लो. अरे भाई, लड़के कितने सॉर्टेड होते हैं यार. कहता हाँ जी लो, आप भी लो. भाई ये तो आज की जनरेशन ने मार के रख ली पुरानी जनरेशन की, सच में यार. पति इसे कह रही थी कि मुझे घूमने लेके नहीं जाते. आज के बाद नहीं बोलेगी ये पति को, घुमाने लेके जाओ मुझे, इतना घुमा दिया पति ने. ये हम लोग अंदर चढ़ा रहे हैं, ये देखिए. भाई कहाँ से चढ़ा रहे हैं? ओ भाई ये लो, सीट गिरने के लिए. बैग भी यहीं से अंदर जाएगा. ओ अंदर घुस गया, ये देखिए भाई. ओ भाई लेडीज को भी चोट ना लग जाए. देखिए लेडीज चोट लग गई, ये देखो भाई. ओ भाई वाह भाई, सबको चढ़ा दिया, गुरु मान गए. ये क्या है भाई, ये मतलब गेट का तो यूज ही नहीं कर रहे. ये तो इंडियन रेलवे वाले सोच रहे हैं, अरे भाई साहब हमने गेट क्यों दिया, ये तो खिड़कियों से आ रहे अंदर. भाई गेट तो यूज कर लेते हैं. ओपन में कैंप कर रहा था, प्रो प्लेयर ने पकड़ लिया. भाई अभी भी निकल नहीं रहा है. क्या नाम है जी? क्या नाम है? भाई को लग रहा है मैं अभी भी नहीं दिख रहा. पूरी लाइट मार दी उसके ऊपर, खड़ा हुआ है.
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर बैजनाथ यादव। बैजनाथ यादव कहा यहाँ नुकायल है सर? क्या करे सर, गिरफ्तारी के डर से? डर से सर, जान के डर। क्या नाम है फिर से फाइनल? हाँ क्या नाम है? बैजनाथ यादव। बैजनाथ यादव जी सर, कोई केस था आपका खैरा थाना में? हाँ खैरा थाना सर केस। एक बंदा लिखता है मीरा मार का गिली सूट रेंगल में यूज कर लिया। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। हाँ आपको लगता है ठीक है गरीब होने के साथ साथ? भाई गरीबी में कॉन्फिडेंस भी अपने आप खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता यार। कल मैं अपने दोस्त को ज्ञान दे रहा था, उसकी जेब में 1100 रुपए थे। मैं उसको समझा रहा था कि भाई तो क्या हो गया, कॉन्फिडेंट तो रहे ना, मर तो मन, मेरे पास 1500 रुपए हैं लेकिन मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए कहीं पे। 350 आपके पास ही आता है। लॉयल कस्टमर है भाई, प्रीमियम मेंबरशिप ले रखी भाई ने। दिल टूटा मेरा, सच्ची बता रही, बिस्तर पूरा खाली करके जा रहे आराम से सोना। आराम से सोना, बिग बॉस में सोने तो आए हैं, दीदी ने समझ लिया अपनी तरह सबको, आराम से सोना तू। अरे अरे भाई तेरे लिए कल भी गलत नहीं सोचा था, आज भी नहीं सोचेंगे। ऐसे लग रहा है नानी और दादी दोनों गले मिलकर रो रही हैं। एक बात कहना चाहूंगा आप तीनों से, कन्फेशन को ज्यादा सीरियसली मत ले लीजिएगा। यस यस, मेरा भी मन था सिर्फ गप्पे मारने का कुछ लोगों से, आप अच्छा। तीनों को गप्पे मारते हुए देखता रहता हूँ, अच्छा लगता है इसीलिए बुला लिया। वाह, कुछ दोस्त ढूंढने थे ढूंढ लिए। तो लाडला भी बना, ओ तो आपने हमें अपना दोस्त बना लिया। मुझे लाडली बनना है। चल निकल बहन की लौड़ी, बड़ी आई लाडली बनने। ये AI भाई किसी दिन जान लेके मानेगा सही में, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने लास्ट में। Who is your favorite rapper यार? इनकी कोई पेंटिंग बनाई है आपने अभी तक? नहीं। ये मुझे लगा ये बादशाह भाई की ये आंख है ना, ये जादू की बीवी है ये आंख। जादू की बीवी। एक सवाल है, ये कौन है, यहाँ कौन है, ये कौन है? वो तन्मय बट है, वो मैं हूँ। समय खुद को रोज कर रखे था, वो तन्मय बट है और वो मैं हूँ नीचे जो। अगर तुम आसमान में रहोगे तो मैं बन जाऊंगा पंछी, अगर तुम जमीन में रहोगे तो मैं बन जाऊंगा सांड, सिस्टम तो मैं हिला ही दूंगा, जस्ट ले लो मेरी जान, 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 ले लो एल्विच भाई। एल्विच भाई भी लाइक मिलता हूँ शो के बाद, मिलता हूँ देखो तो बताता हूँ, मैं मोर बनाता हूँ त्रिकू में। सिचुएशनशिप क्या नई चीज आ गई यार, सारी रिलेशनशिप की चीजें होती है लाइक गेटिंग फिजिकल, गोइंग ऑन डेट्स, कुछ भी एक्स वाई जेड, बट टैग नहीं देना है डेटिंग का, सो दैट्स सिचुएशनशिप फॉर मी। समझ गया मैं, मतलब मौज मस्ती काटो। इसका मतलब सिचुएशनशिप नहीं हो, इसका मतलब वो चाल जगह और मुंह मार सकते हो तुम बिना रोक टोक किए। आज की जनरेशन के चौंचले आएंगे सिचुएशनशिप, तभी तो आज के ये जो लोग हैं इनका चल नहीं पा रहा, टिक नहीं पा रहे, वह रिलेशन नहीं टिक पा रहे क्योंकि फिट ही नहीं हो पा रहे अपनी जनरेशन में ये लोग। आप दोनों से ना ऑडियंस का एक क्वेश्चन था कि आप दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो या ऐसे ही बोलते हो, सच में है क्या? हाँ बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कितना प्यार करते हैं? मैं तो आपको क्या ही बताऊं राजा जी, वो तो आपने देख ही लिया होगा पहले वीडियो में, जब मैं भगा के लेके जाने का दम रखता हूँ। हम दोनों के बीच इतना प्यार, भाई तूने बहुत भगा लिया उसको, बहुत भगाने के बाद थोड़ा खाना भी दे देता उसको। अरे हम दोनों एक दूसरे का जूठा भी खा लेते। जूठा खा लेते हैं, मुझे लगता है तुम दोनों खा ही नहीं रहे हो। मुझे तो यकीन है इस बात पे। आपको यकीन नहीं है ना, मैं आपको डेमो करके दिखा दूँगा। अच्छा जी, करके दिखा दे चलो डेमो। ये तो कोडिंग डाल दिया तुमने। ठीक है। नहीं नहीं क्या था भाई, लास्ट में क्या ही किया होगा बंदे ने। या सो दिस इज इट गाइज, आई होप आपको आज की वाली वीडियो, आज के वीव्स अच्छे लगे होंगे, एंड ऑल्सो कमेंट में बताना कि क्या आपको मेगल वीडियो देखनी है। बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो ये वीडियो, और अब थोड़ा हम एक्टिव हो रहे हैं, बहुत मजेदार मजेदार मीम रिएक्शन आएंगे और भी काफी चीजें प्लान कर रहा हूँ मैं इस चैनल के लिए, सो मजा आएगा आपको देखने में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।